हूँ आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ के सतखंडा स्थित डांगी पटेल समाज के छात्रावास में भारतीय सेना में सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए मेजर गोटूलाल डांगी तेजपुरा का आगमन पर डांगी पटेल युवा जागृति संस्थान व समाजजनों ने भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। संस्थान के जिला प्रवक्ता शोभालाल डांगी ने बताया कि समाज के एकमात्र मेजर गोटूलाल डांगी जो अपने सराहनीय सेवाएं देकर निम्बाहेड़ा पहुंचे, वहां समाजजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ माला व साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। चित्तौड़गढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत समिति भोपाल सागर के सभागार में स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसमें 6 स्थायी समितियों के सदस्य व अध्यक्षों का निर्वाचन सर्वसम्मति से निर्विरोध कर किया गया। विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह हाडा ने इन सभी 6 स्थायी समितियों का निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया। पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के बाद भी 6 में से 3 समितियों पर कांग्रेस समर्पित सदस्यों ने अपना कब्जा किया। पंचायत समिति हमारे भोपाल सागर में है, जो कमेटियों के चुनाव की आज जो तारीख फिक्स थी राज्य सरकार के हिसाब से, तो हमने चुनाव का करवाया। तो सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत में हमने तय कर लिया कि सभी मेंबर्स को निर्देश दे दिया कि ये चुनाव का तरीका बताया हमने, और कहा कि ये 2 तरीके हैं। एक तो सर्वसहमति से आप सभी बैठ के सहमत कर लें कि भाई हम इस तरीके से इसी विभाग को अपन सारा रेसा कंप्लीट करके बना लें तो हमारे पंचायत समिति के विकास में हम आगे बढ़ेंगे जी। तो सभी मेंबर्स ने बैठ के तय कर लिया जी। सारे विभाग की भाई हमारे को ये विभाग दिया जाए, इनको ये विभाग दिया जाए, और सभी ने आपस की सर्वसहमति से, क्योंकि इसमें सबकी सर्वसहमति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन होता है वोटिंग का जी। तो जब सर्वसहमति बन गई तो फिर वोटिंग होती है दूसरी बार जी। तो हमने सब जनों ने बैठ के सर्वसहमति से ये निर्णय ले लिया। मेंबर्स ने सभी ने आपस में बैठ के निर्णय ले लिया कि हमें ये 25 हमें ये विकास कराना है, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं विकास कराना हूँ जाति के आधार पर, और हमने सबकी सहमति से करवा दिया। केशवराय पाटन में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत प्रभाव से मुआवजा राशि खातों में पहुंचाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रंगी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य अर्जुन बेरवा, किसान प्रतिनिधि सूरजमल नागर, पूर्व सरपंच भंवरलाल चौधरी के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी प्रकार की राहत की घोषणा नहीं की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण पूरे कोटा संभाग के अंदर किसानों की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, और खास करके सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र के अंदर हुआ है। आज हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि तुरंत सर्वे की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है कि फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, सर्वे की खाना पूर्ति ना करके तुरंत किसानों के खाते में मुआवजा डाला जाए, और मुआवजे की सीमा सीमित ना करके जितने किसान की जितनी फसल खराब हुई है उसे उतना मुआवजा मिले, और लगभग 30,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का ये सारी फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। साथ ही साथ गाँव के अंदर किसानों के और आम लोगों के घर तहस नहस हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने मांग की है कि तुरंत उन लोगों को मुआवजा मिले और उनके रहने की व्यवस्था की जाए। बूंदी जिले के खलुंदा गांव में लगातार 8 दिन से हो रही बारिश के कारण खलुंदा गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान गाँव के करीब 20 कच्चे मकान ढह गए। गांव पानी में जलमग्न होने के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, वो उन्होंने जेसीबी की मदद से रोड काट कर पानी की निकासी की, जिसके बाद गांव में पानी कम हुआ, जिसके बाद गांव में आवागमन शुरू हो पाया। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि स्वच्छ भारत का सपना सही मायने में तब पूरा होगा जब अधिकारी सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान करते हुए उन्हें तत्काल राहत प्रदान करेंगे। बैठक में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव, पुलिस DCP ऋचा तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी व अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए गए। इसके बाद पवार ने जगतपुरा जोन की मनोहरपुरा कच्ची बस्ती का निरीक्षण भी किया।
कोटा जिले की दिगौत तहसील के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने सत्र में हुई तेज बारिश के कारण ग्रामीणों के क्षतिग्रस्त मकानों का व फसलों के नुकसान का ग्रामों में जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों को समझाइश की गई कि जो मकान गिरने की कगार पर है उन्हें तत्काल खाली कर किसी सुरक्षित सरकारी भवन में शरण दी जाए। साथ ही किसानों के फसल नुकसान व क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे की राशि प्राप्त करने के सामान्य नियम की जानकारी दी गई। अतिवृष्टि होने की वजह से फसलें जलमग्न हो गई थी, बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है और मकान धराशायी हुए हैं पूर्ण या आंशिक। इन सब का मौका निरीक्षण करने के लिए आज मैंने तूफानी दौरा किया। ग्राम ऊदपुरिया, निमोदा, चंद्रकला, भोरा, मुंडला, पड़ास, लिया, चोलाई कला, कोलाई कला, बगरू, कुराड़ी, रेलगांव, ढाबा, सीमलिया, गाड़ेपान, बमोरी, सारोला आदि ग्राम पंचायत मुख्यालय व ग्रामों का मैंने दौरा किया। दौरे के वक्त किसानों की फसलों का मौके पर ही निरीक्षण किया, ढसे हुए मकानों का निरीक्षण किया और किसानों को फसलों के नुकसान के आदान अनुदान की राशि के साधारण नियम समझाए और मकानों की राशि मुआवजे की जो मिलती है उसके साधारण नियम उनको जानकारी दी। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में माल की ढाणी रोड पर PHED के माध्यम से पेयजल पाइपलाइन का उद्घाटन जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज द्वारा किया गया। उन्होंने जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 94 व वार्ड 92 में स्वच्छ व भरपूर पेयजल की सौगात देते हुए इस कार्य को प्रारंभ किया। इस अवसर पर पार्षद दीपिका सैनी व पार्षद ज्योति सैनी भी उपस्थित रही। पार्षद प्रतिनिधि अमित सैनी ने बताया कि इस कार्य से आसपास की कॉलोनियों की जनता लाभान्वित होगी, साथ ही इससे विभिन्न कॉलोनियों में भी पेयजल मिल सकेगा। केशवरायपाटन में नावघाट रोड पर सुरक्षा दीवार गिरने से मकान के मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बूंदी जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा केशवरायपाटन पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की पूरी जानकारी ली। इस अवसर पर मृतक महेंद्र केवट के परिवार के परिजनों को सांत्वना देकर उन्हें सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के साथ जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में अनुराग सेवा संस्थान द्वारा अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह 2021 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत लालसोट नगर की कॉलोनियों व सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व नियमित देखभाल की प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण किया जाएगा। खींवसर शहर के ताड़ावास सड़क मार्ग पर स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर निकलने से गाड़ी अनियंत्रित होकर 4 बार पलटी खा गई। हादसे में गाड़ी में बैठे 5 जने घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही खींवसर पुलिस अस्पताल परिसर पहुंची व घटना की जानकारी ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी न्यूज़।